स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग? हाँ भैया हो गया। ओके यस सर। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया भैया। हो गया, चलो। सो ये चैप्टर्स हम लोगों का अभी तक खत्म हो गए ना। ओके, तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का हम लोगों का टॉपिक है लेटर, नॉट लेटर्स, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। आप लोगों ने इनफॉर्मल लेटर तो स्कूल में किया होगा, फॉर्मल लेटर भी स्कूल में किया होगा। एक कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज से बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, फॉर्मल लेटर क्या होता है, कोई बोलेगा? सर ऑफिस से यूज है। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो फॉर्मल जगहों पे यूज किए जाते हैं, जैसे ऑफिस, स्कूल, फिर आपका बिजनेस में, या कोई फॉर्मल काम करने के लिए, ऑफिशियल काम करने के लिए। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं हम लोग? भाई, बंधु, दोस्त, घर वालों को, जिनको हम लोग पहचानते हैं, ऐसे लोगों को। हाँ भाई, कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल, ये सब लिखते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर में ये चीजें नहीं होती है। फॉर्मल लेटर बहुत ही टू द पॉइंट होता है एंड बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एंड बहुत ही क्लियरली उसमें एकदम बिजनेस माइंड में रखते हुए प्रोफेशनली बात किया जाता है। तो वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम लोग सबसे पहले आज फॉर्मेट करेंगे फॉर्मल लेटर का। तो आप लोग फॉर्मेट कॉपी करो। चलो हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट चालू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस। जो सेंडर होगा उसका एड्रेस आता है सबसे पहले, जो भेज रहा है। तो यहां पे किसका एड्रेस आएगा? व्हेन आई एम राइटिंग फॉर्मल लेटर, आई विल राइट स्लैश प्रोवाइड माय एड्रेस ना। Because I am the sender, क्योंकि हम sender है, यहाँ पे हम अपना address देंगे। सही कि गलत? हाँ भैया सही। Okay. Next आता है date. The date on which I am writing the letter, ये वो डेट है।
नंबर थ्री पॉइंट पे क्या आना चाहिए, कोई बोलेगा? एनी आइडिया? नेम एड्रेस. नेम एड्रेस? क्या नेम एड्रेस? मेरा नेम और मेरा एड्रेस? भैया कहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस, नेम एड्रेस. या तो देखो सबसे पहले डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन और नेम ऑफ द एड्रेसी. हु इज द रिसीवर? बेसिकली डेजिग्नेशन मतलब जो भी काम है. मान लो हम किसी कंपनी के सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं, तो हम लोग इधर लिखेंगे क्या बोलते हैं, मिस्टर एक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड सेल्स मैनेजर, ऐसे लिखेंगे. वी विल मेंशन द name and designation यानी जो काम वो करते हैं उससे उनकी जो पहचान है उसको designation बोलते हैं. if any of the receiver slash addressee, yani the person who is being sent, who the letter is being sent, next aata hai salutation. salutation ka matlab मैंने सिखाया था. सर मैम ये सब. एग्जैक्टली यानी द वे यू एड्रेस समवन स्लैश द एड्रेसी स्लैश the receiver, यानी जिस तरीके से आप रिस्पेक्ट देते हो जिसको आप लेटर लिख रहे हो, यानी एड्रेसी को या फिर रिसीवर को. ब्रैकेट में देते थे हम सर. नीचे में क्या लिखे है? मैम, मैडम. यानी क्या नीचे मतलब यह रिसीवर? ये थोड़ा इधर ढक गया ना इसीलिए रिसीवर. सॉरी. नेक्स्ट क्या आता है? सब्जेक्ट. सैल्यूटेशन. एग्जैक्टली सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी अ शॉर्ट रीजन behind writing the letter slash the purpose in brief. yani ekdam short mein us cheez ko samjhana कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो. नेक्स्ट आता है हम लोगों का जो हम लोग लेटर लिखेंगे, यानी हम लोग इसको कंटेंट बोलते हैं.
कंटेंट में के तीन पार्ट्स होते हैं. कंटेंट का पार्ट नंबर वन होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. एग्जैक्टली, नंबर वन में आता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? Why we are writing the letter, ये आता इंट्रोडक्शन में. नंबर टू में आता है बॉडी. बॉडी में क्या लिखेंगे हम लोग? इधर तो लिख दे, क्यों लिख ले हैं? इधर लिखेंगे द डिटेल्स. Details about the subject matter, by providing facts, figures, information, डेटा एटसेट्रा. यानी सारे डिटेल्स हम लोग बॉडी में डालेंगे. और पॉइंट थ्री में आता है हम लोगों का कंक्लूजन. इधर हम लोग डालते हैं यह है द वे टू एंड माई लेटर विथ सजेशंस गाइडलाइंस आइडियाज ब्रैकेट में If any, अगर मुझे कोई सजेशन देना हो, कोई गाइडलाइंस देने हो, कोई चीज को बताना हो कि इसको कैसे ठीक किया जाए, तो फिर हम लोग वो कंक्लूजन में डालते हैं. बेसिकली ये लेटर को एंड करने का तरीका होता है. इसके बाद आता है पॉइंट नंबर सेवन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. मतलब ये जो कंक्लूजन के मतलब लेटर खत्म. अब इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. यानी इधर देते हैं टू कॉम्प्लीमेंट द कंक्लूजन वी नीड दिस. इधर हम लोग लिखते हैं योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ये सब लिखते हैं ना. योर्स सिंसियरली फेथफुली, कोई लिखता है ट्रूली एटसेट्रा. इधर तक सबने कॉपी किया आप लोगों ने? हाँ भैया. मन्नन? यस यस. पॉइंट एट में हम लोग क्या लिखते हैं? देते हैं हम लोग सिग्नेचर. एग्जैक्टली. वी साइन हियर, दैट इज
द सेंडर साइंस हियर और प्रोवाइड्स हिज और हर फुल नेम. अगर कोई साइन नहीं करता है, वो अपना पूरा नाम भी लिखता है. कौन करता है? सेंडर. सेंडर हमेशा करता है ये चीज. और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, ये है फिर से डेजिग्नेशन. लेकिन इस बार किसका डेजिग्नेशन? पिछली बार था ऑफ द एड्रेसी या फिर रिसीवर. इस बार डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर. वी राइट और प्रोवाइड द रिसीवर slash addressee with our, that is sender's designation, bracket में if any, अगर कोई है. और designation मैंने क्या बोला था, मतलब है जिस काम के लिए आपको जाना जाता है. For example, ऐसा हो सकता है कोई हो, आप सेंडर हो तो आप मान लो हो रीजनल मैनेजर. रीजनल मैनेजर ABC लिमिटेड कोई ऐसा दे सकता है. कोई लिख सकता है डायरेक्टर हो आप. डायरेक्टर यही ऑप्शनल है या ये लिखना ही होगा लास्ट वाला? नहीं बोला तो इधर देखो, इफ एनी. इफ एनी का मतलब अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो ही आप डेजिग्नेशन दोगे. फॉर्मल लेटर यूजुअली लोग ऑफिशियली रीजन से लिखते हैं ना, ऑफिशियल या फिर प्रोफेशनल रीजन से, तो उनका यूजुअली एक डेजिग्नेशन होता ही है. लेकिन ये चीज ऑप्शनल होते हैं, मतलब this is either applicable or inapplicable, if applicable. तो समझ में आया सब दोनों को? हाँ भैया. सर ओके, आप लोगों ने कॉपी कर लिया? हाँ भैया. सर चलो हम लोग एक लेटर लिखते हैं. आज ये लेटर को हम लोग कहते हैं इंक्वायरी लेटर. ये भी वन टाइप ऑफ लेटर ही है. तो इधर लेटर्स हम लोग बहुत टाइप के सीखेंगे. ये एक टाइप का लेटर है, ये इंक्वायरी लेटर है. तो क्वेश्चन लिखो. इट इज योर सन्स फर्स्ट बर्थडे and you need या फिर require, कुछ भी लिख सकते हो, a proper caterer. you need proper catering भी लिख सकते हो. you need proper catering for मान लो 500 पीपल.
अच्छा एक काम करो, मेरे से एक ये गलती हो गई, आप लोग इधर सन्स फर्स्ट बर्थडे को मिटा दो, इधर ही कर दो, इट इज योर कंपनीज 10th एनिवर्सरी कर दो, इट इज योर कंपनीज 10th एनिवर्सरी एंड यू नीड अ प्रॉपर केटरिंग फॉर 500 पीपल, देर आर मैनी पीपल providing such services in the market you came across. Yeah, क्या लिखे, there are many people. You came across one such service provider right a letter to inquire about his rates for the services he provides. ये है हम लोगों का क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन कॉपी करके मुझे बोलो आप लोगों ने कर लिया कि नहीं. बैकग्राउंड चेंज करिए. क्यों अचानक क्या हुआ? ब्लैक रख ठीक है ना? ठीक है. ओके चलो, मैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया था. Anyway, चलो. या पेन रेड. क्या? पेन रेड लीजिए. ठीक है. हाँ भैया. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इधर? अब भी हम लोग फॉर्मेट में क्या देखे थे? सेंडर एड्रेस है ना. तो चलो करते हैं. इधर अपना एड्रेस डालो. सबसे पहले एड्रेस के पहले क्या जाता है? नाम ना. हाँ भैया. चलो अपना नाम डालते हैं हम. एबीसी लिमिटेड, इसके नीचे एड्रेस डालते हैं.
मैंने एक इमेजिनरी एड्रेस बना के इधर लिख दिया है. उसके नीचे क्या जाता है? डेट, है ना. तो आज का डेट कितना है? 12/8/2021. हम ऐसे लिख रहे हैं. कोई चाहो तो दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. मेरे को ये फॉर्मेट कंफर्टेबल लगता है इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. नेम ऑफ एड्रेसी. नेम ऑफ एड्रेसी क्या है बोलो. चलो, एक्स वाई जेड केटरर्स. चलो ऐसे दे देते हैं, एक्स वाई जेड केटरर्स. अब इनका एड्रेस लिखेंगे, है ना. ऐसे दे देते हैं. चलो इनका नाम आइए, इधर दे देते हैं. इसके बाद क्या आता है? सैल्यूटेशन. यानी क्या लिखेंगे? एक लाइन लिखेंगे, डियर सर / मैडम कॉमा, है ना. सही लिख रहे हैं तो बताओ आप लोग. हाँ भैया, हाँ भैया. ओके, चलो. है सर. चलो पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं अब फिर से. अब इधर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो सब्जेक्ट. आप लोग बताओ अपने से. इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, ऐसे दे सकते हैं. ओके, चलो. मान लो फॉर एग्जाम्पल हम इनका केटरिंग सर्विसेज का कहीं पे एडवर्टीजमेंट देखे, तभी तो मुझे पता चलेगा ना. बिना एडवर्टीजमेंट देखे मुझे थोड़ी ना पता चलेगा. तो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से लिखते हैं. ऐसे लिखते हैं. With reference to your advertisement. ये सब्जेक्ट में है. नहीं, सब्जेक्ट के बाद लेटर लिखना चालू है. ये इंट्रोडक्शन है. With reference to your advertisement in the, कोई न्यूज़पेपर का नाम बोलो आप लोग. टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, मान लो 10th of August कर देते हैं 2021. वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज. आर कंपनी इज सेलिब्रेटिंग.
इट्स टेंथ एनिवर्सरी ऑन द 2nd ऑफ सेप्टेम्बर मान लो, हम ऐसे एक इमेजिनरी डेट दे रहे हैं 2021 एंड वी आर सर्चिंग फॉर अ catering service that can handle a guest list of around 500 people. Full stop. इधर full stop दे देना. ये हो गया हम लोगों का introduction. अब आएगा हम लोगों का body. Body में क्या लिखेंगे? We are expecting a at least 500 guests and employees and ex-employees during the said event. Full stop. It will be a formal event and we will need full catering services including starters, main course and desserts. है ना? We will also require not less than 50 waiters and 20 hosts.
टू सर्व एंड अटेंड आवर गेस्ट्स फुल स्टॉप. ये हो गया हम लोगों का बॉडी. इधर हम लोगों ने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जो देना था डिटेल्स में. अब नेक्स्ट देखो हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन. काइंडली ओ सॉरी एक सेकेंड, एक और बात. इधर हम लोगों ने डिटेल्स दिया है. अब डिटेल्स में क्या क्या है डिटेल्स का पूरा लिस्ट भी एक बना के दे देते हैं. चलो तो बॉडी को इधर एंड नहीं करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा और जगह लेते हैं. इधर लिखते हैं kindly provide us with the details about the following. बुलेट नंबर वन दे सकते हो, कोई पॉइंट नंबर वन दे सकते हो, कोई इसको ए बोल सकते हो, जैसे आपका मर्जी, जैसे आपकी मर्जी आप लोग वैसे. मान लो वेदर वेटर्स and hosts can be provided by you. Number two, offers and discounts. Available. Number three, the menu options and charges Number four, if there are any charges levied for linens centerpieces etc. linens यानी जो कपड़ा बिछाया जाएगा, cloth बिछाया जाएगा, वो सब. एंड सेंटर पीस मतलब बीच में सुंदर रखने के लिए एक सेंटर पीस रखते हैं ना, बहुत लोग उधर फ्लावर वाज रख देते हैं, छोटा सा रोज लगा के, ऑर्किड्स लगा के, वो सब. दिया लेविड मतलब चार्जेस लगेगा कि नहीं, चार्जेस इस पे लेविड है कि नहीं. तो ये हो गया हम लोगों का बॉडी. अब आता है कंक्लूजन. We shall be grateful if you could provide the details mentioned above along
with a rough estimate by the 12th tarikh na 28th of August 2021 मान लो डेट दे देते हैं कॉमा इफ पॉसिबल फुल स्टॉप। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे इसका। ये तो कंक्लूजन हुआ दो लाइन का, तो इधर हम लोग क्लोज कर दिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा? थैंकिंग योर्स, नेक्स्ट लाइन पे फेथफुली देते हैं, आप लोग चाहो तो ट्रूली सिंसियरली ये सब भी दे सकते हो, फेथफुली अपना नाम देते हैं हम, रौनक रूंगटा, इधर हम अपना साइन दे, मान लो ये मेरा साइन ही है ठीक है, और इधर हम अपना डेजिग्नेशन दे देते हैं सीईओ। मेरा कंपनी का नाम क्या था? एबीसी लिमिटेड। समझ में आया सबको? यस सर। विश्वजीत को समझ में आया? हाँ भैया। ओके, आवाज नहीं आ रहा, मैंने कुछ बोला ही नहीं। चलो ये तो हुआ, एक और टाइप का लेटर बोलते हैं, मान लो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर के नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, इधर ऑर्डर दिया जाएगा है ना? यस सर। आप लोग को मैंने इंक्वायरी लेटर सिखा दिया है, अब वो तो सेंडर ने रिसीवर को भेजा है ना, यानी मेरे कंपनी ने केटरिंग कंपनी को भेजा, अब केटरिंग कंपनी ने उसके रिप्लाई में एक रिस्पॉन्स टू द या फिर फीडबैक या फिर रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर दिया होगा। अब मान लो मैंने को उनसे काम करवाना है तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर लेटर है कि नहीं? यस सर। ओके, तो इधर सब कुछ ऑर्डर में सेम चीजें लिखेंगे, इधर हम लोगों का सब कुछ जो जो उधर था, मान लो इधर क्या क्या था देखो, इधर ये जो ये पार्ट जो था ये पूरा सेम टू सेम रहेगा। एक सेकेंड, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया इधर, ये पार्ट सिर्फ चेंज क्या होगा, दिस विल चेंज ऑर्डर लेटर में डेट, जो जो ग्रीन में है इधर ग्रीन का दिखा दे रहे हैं, ग्रीन मतलब सेम, डेट विल चेंज, ग्रीन का मतलब चेंज, जो जो ग्रीन में है ये सब कुछ चेंज हो जाएगा
सॉरी सेम रहेगा, और ये सिर्फ डेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर लेटर बाद में आता है, इंक्वायरी के रिप्लाई के बाद आता है ना। सब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगा है ना, दिस विल ऑल चेंज, अब इधर से सब कुछ चेंज हो जाएगा, बस ये वाला जगह फिर से सेम रहेगा, ये फिर से सेम रहेगा। तो चलो ऑर्डर लेटर करते हैं, हम वापस इन चीजों को जो जो सेम रहेगा उस चीज को कॉपी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, हम डायरेक्टली लेटर में जा रहे हैं। इधर क्या आएगा, सबसे पहले एड्रेसेस, सॉरी सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, फिर आएगा डेट, इधर आएगा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, सॉरी इसको बड़ा नहीं किया हम, इधर आएगा उसके बाद डेट है ना। डेट मान लो उसने, मैंने 20 तारीख का दिया था, उसने मेरे को मान लो 18 को ही भेज दिया फॉर एग्जाम्पल, तो हम मान लो 20 को उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसको दे देते हैं 20/08/21। अब इधर आएगा एड्रेसेस, नेम एंड एड्रेस है ना, उसके बाद आएगा डियर सर मैम, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा बताओ, कौन बताएगा बोलो। To give an order. मान लो ऐसे लिखते हैं, placing an order for my, या फिर for my, sorry for my नहीं लिखेंगे, for ABC Limited 50th anniversary, भैया 10th, oh sorry 10th, 50th बोल रहे हैं हम, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, टेंथ एनिवर्सरी है ना, ओके okay. तो इधर डियर सर मैम पहले कर दिया था, अब इधर लिखना चालू करते हैं हम लोग, एज डिस्कस्ड बिफोर वी विश टू प्लेस our order slash hire you to cater our event on the, कितने तारीख को दिया था मैंने, सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर 2021 फुल स्टॉप, चलो इसका इंट्रोडक्शन छोटा ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों की बात उधर हो गई थी, बॉडी में लिखते हैं माय ऑर्डर
must include fifty waiters and 20 hosts as per my requirement the dishes I require for the event are ऐसे दे देते हैं चलो नंबर वन में स्टार्टर्स में ऐसे पॉइंट वाइज दे देते हैं हम लोग पनीर टिक्का चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल्स और बोलो कुछ स्टार्टर आइटम्स आप लोग बोलो सूप्स वेज नॉन वेज ऐसे स्टार्टर्स दे दिया कुछ तो मेन कोर्स में आ जाओ मेन कोर्स में मान लो वेजिटेबल बिरयानी प्लीज अभी कोई बोलना मत वेजिटेबल बिरयानी बोल के कुछ नहीं होता है ये डिस्कस करने के लिए हम लोग इधर नहीं हैं चिकन मटन बिरयानी बटर रोटीज और भी दो चार आइटम ऐसे दे दो मान लो बटर चिकन ब्ला 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 हम सिर्फ एग्जांपल प्लेस करने के लिए ऐसे दे रहे हैं नेक्स्ट आ जाओ आप लोग अपने हिसाब से करना उस चीज को डेजर्ट में चॉकलेट मूस ये ब्लैक फॉरेस्ट केक एप्पल पाई रस मलाई आइसक्रीम्स ऐसे मान लो मैंने दे दिया अब कंक्लूजन में आ जाते हैं द कुक्स एंड हेल्पर्स मस्ट रीच अस बाय 1/9/2021 with their required equipment and raw material
food must be cooked with proper hygiene and in the morning of the event. ऐसे लिख सकते हैं भैया फूड मस्ट बी कुक्ड मतलब मस्ट मी नहीं मस्ट बी मस्ट मी कहाँ लिखा है ओ सॉरी मस्ट मी लिख दिया मैंने गलती से अच्छा अ पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीस ऐसे मान लो रुपीस 1 lakh विल बी मेड टू यू by check on 1/9/21 and the remaining 1/9/21 after the event ठीक है आफ्टर द इवेंट बाकी पेमेंट होगा ऐसे लिख दे रहे हैं हम मान लो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया आफ्टर डिडक्टिंग मान लो उन्होंने बोला मेरे को 10% डिस्काउंट देंगे 10% डिस्काउंट ठीक है ऐसे दे दिया मैंने ये हो गया फिर से इधर लिख देते हैं सेम थैंकिंग सॉरी थैंकिंग्स लिख दिया मैंने योर्स ट्रूली देते हैं इस बार क्या कुछ भी फेथफुली सिंसियरली ट्रूली कुछ भी दे सकते हो मान लो ये मेरा सिग्नेचर है ख्याते हम सीईओ थे ना ऐसा मैंने दे दिया समझ में आया है सर चलो आप लोग एक काम करो आप लोग इधर होमवर्क नोट करो जो लेटर मैंने क्वेश्चन दिया था कॉपी किया था ना आप लोगों ने हाँ भैया वाला वाला yes. हाँ उसी के ऊपर ही तो हम लोग ऑर्डर दिए ना पहले हाँ वो इंक्वायरी लेटर था फिर वो ऑर्डर लेटर बन गया तो आप लोग लिखोगे रिसीवर के साइड से हाँ रिसीवर के साइड से आप लोग लिखोगे क्या रिप्लाई टू द सेंडर हाँ अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सॉरी ऑर्डर नहीं लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर मैंने किया था आपको उसका रिप्लाई देना है मुझे क्या बन के रिसीवर अब क्या बन जाएगा सेंडर बन जाएगा है ना और सेंडर क्या बन जाएगा इधर रिसीवर बन जाएगा तो आप उस चीज का मेरे को एक कोटेशन भेजना आप लोग बना के
नंबर टू जो ऑर्डर प्लेस किया था उसके बाद आप लोग एक लेटर लिखोगे। मान लो मुझे आपका जो जो मैंने डिशेस इधर ऑर्डर किए थे वो चीजें मुझे ठीक से सब कुछ नहीं मिला, कुछ चीजें मिली कुछ चीजें नहीं मिली, हम इधर लिखते हैं इन द इवेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, सॉरी 10th not 50th, टेंथ एनिवर्सरी सम आइटम्स वर नॉट सर्व्ड एट ऑल, फुल स्टॉप। दिस इंक्लूडेड the black forest cake butter chicken and paneer tikka for example, maine aise likha hai full stop। You are to write a complaint letter to XYZ Catering Services and ask them to deduct the charge of the above mentioned items and show your disgrace, मतलब अपना दुख जताना कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोग को इधर कंप्लेंट लेटर लिखना है, ये वाला क्या लेटर है, कंप्लेंट, ये कंप्लेंट लेटर है और ये है रिप्लाई टू इंक्वायरी, है ना। आप लोग ये होमवर्क में करके दोगे मुझे नेक्स्ट डे, तब हम लोग का चार्ट टाइप का लेटर हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग करोगे उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और मेरे को भी समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला करके मुझे भेजना आप लोग। ओके, हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं।